भूल भुलैया आपने देखी भले ही ना हो लेकिन इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। गरीबों के लिए सरकारी सिस्टम बस इसी भूल भुलैया के समान है, कितना भी घूम लो वहीं आकर खड़े हो जाना है। खंडवा का एक लाचार पिता भी इसी भूल भुलैया में फंस कर रह गया। देखिए, सूबे में योजनाओं की है धूम, लेकिन फिर भी एक बेबस लाचार पिता रहा है खून। इस व्हीलचेयर पर सोनू नाम का ये बच्चा ही नहीं है, बल्कि व्हीलचेयर पर सरकारी व्यवस्था विराजमान है। जो धक्का लगाने पर ही आगे बढ़ सकती है, लेकिन सवाल ये कि धक्का कौन लगाएगा? जगदीश यानी दुनिया का भगवान, लेकिन हरसूद का यह जगदीश इतना बेबस इतना लाचार है कि ना तो अपने मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे का इलाज करा पा रहा है, ना ही बीमार पत्नी की तीमारदारी। काम के नाम पर जंगल से लकड़ी काटकर बेचना और उससे मिले चंद पैसों में घर चलाना मजबूरी है। हसरत चाहत या गुहार जो कहिए, बस एक सरकारी घर की है। हर कम से कम 20 बार यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आ गया। अभी कुछ एक रुपए का मतलब, अरे रुपए का क्या है, मतलब 2000 रुपए ऑपरेशन हुआ था जब ये कलेक्टर ऑफिस में से मतलब मिले थे। बस इसके अलावा कुछ अभी तक ये कहीं नहीं हुआ है। अब घर बार चाहते हैं और ये बच्चे के लिए अच्छी सुविधा चाहते हैं। अब ऐसे में सरकारी दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगवाकर एक बेबस को घनचक्कर बना देने की व्यवस्था कटघरे में क्यों न खड़ी की जाए। वो तो 20वीं बार के चक्कर में जगदीश की किस्मत अच्छी थी जो निगम के नेता प्रतिपक्ष मिल गए, मदद भी की और सवाल उठाया, पूछा कि इतनी योजनाएं, इतने दावे, इतना ढिंढोरा पीटने के हंगामे के बीच जगदीश जैसे लोग क्यों और कैसे अब भी सिर्फ चक्कर लगाते हैं। देखिए, ये लोग विकलांग है और इनके माता जी का भी स्वास्थ्य खराब है, वो भी विकलांग है। जो पति है उनका वो ठीक है, उसका कहना है कि मैं 20 बार कलेक्टर ऑफिस आ चुका हूँ, मैं उसकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि मुझे आवाज दिया जाए, क्योंकि ये लोग, मैं अगर कहीं काम पे जाऊंगा तो ये लोग घर पे आराम से रह सकते, इसलिए बोले मुझे जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें से मेरे को अगर कुछ योजनाएं मिल जाए तो बोले मेरा घर बन जाएगा, तो मेरा घर संसार बन जाएगा। लेकिन आप देखिए, सरकार कहने को तो बोलती है कि हम संबल योजना चलाते हैं, हम आवास योजना चलाते हैं, हम आयुष्मान कार्ड चलाते हैं, हम विकलांगों को किसी प्रकार की कोई कमी होने नहीं देंगे, हम उनके जीवन के उद्धार के लिए हम कई स्कीमें लाते हैं। तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग ऐसे भटक रहे हैं चिलचिलाती धूप में, ये लोग कलेक्टर के 20-20 राउंड लगा रहे हैं। 20 बार कलेक्ट्रेट और 2 बार मंत्रालय के चक्कर लगा चुके इस परिवार को मदद की बात अब अधिकारी कहते हैं, मानो परिवार पर एहसान किया जा रहा है। छनेरा से जगदीश और उनका परिवार यहाँ आया है कलेक्टर ऑफिस। इनका बच्चा जो है 12 साल का है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग है, और इन्होंने बताया है कि इनको आवास की जरूरत है छनेरा में, तो इनकी डिटेल ले ली गई है और उसमें आगे इसका परीक्षण करा के उनको आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इनको PDS का लाभ मिल रहा है, पेंशन का लाभ मिल रहा है, इनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, संबल नहीं है, तो वो आज इनको तत्काल उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। धन्य है ये सिस्टम और धन्य है उसमें बैठे जिम्मेदार जो जाग तो गए। 20 चक्करों के बाद अब जगदीश का आधार कार्ड अपडेट हो गया, संबल आयुष्मान योजना का कार्ड भी बन रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ एक बेबस और लाचार जगदीश का नहीं। सच तो यह है कि व्हीलचेयर पर बैठी, नियम कायदों के जाल में उलझी ये व्यवस्था उम्मीद से आने वाले को भी ना उम्मीदी के ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जिससे पार पाना नामुमकिन सा हो जाता है। खंडवा से न्यूज 18 के लिए अमित जायसवाल की रिपोर्ट।